एवरीवन, आज हम बना रहे बादाम टमाटर की चटनी, जिसके लिए मैंने थोड़े से भुने हुए बादाम, थोड़ी सी कटी हुई टमाटर, थोड़ी सी चना दाल, कुछ लहसुन की कलियाँ, कुछ हरी मिर्च और थोड़े से कटे हुए प्याज लिए हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद हम अपनी चना दाल को फ्राई, अब हम बाकी की सामग्री इसमें डाल देंगे, फिर धीमी आँच पर हल्का हल्का भून लें। इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि हल्का गोल्डन हो चुका है, इसे थोड़ा सा और हम लोग फ्राई करेंगे। अब ये भुन चुका है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इसे मिक्सर में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे भुने हुए बादाम, थोड़ी सी इमली, स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसका पतला बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसे राई और मिर्च से छौंकेंगे। सो हमारी चटपटी चटनी बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।